बालाघाट में भरवेली थाना क्षेत्र के उड़िया मोहल्ला में छोटू मदारसी की धारदार हथियार से की गई हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में कर रही है। भरेवली निवासी दुर्गा प्रसाद उर्फ छोटू मदारसी उम्र 33 वर्ष पर बीती रात अज्ञात लोगों द्वारा धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें छोटू मदारसी गंभीर रूप से घायल हो गया। 108 की मदद से छोटू मदारसी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे गोदिया के लिए रेफर कर दिया गया, जिसकी रास्ते में ही मौत हो गई। बताया जाता है कि छोटू मदारसी का नामचीन गुंडों में लिया जाता है, इससे ये जाहिर होता है कि मामला आपसी रंजिश का है। ये मेरा छोटा भाई था दुर्गा प्रसाद शिवंशी। क्या उम्र रहेगी इसकी? 32-33 साल। अच्छा, कैसी क्या जानकारी थी? मेरे को फ़ोन आया, मैं घर पे था नहीं, मैं बाहर था। फ़ोन आया 11:30 बजे करीब, किसी ने मार दिया करके, इसको बाहर सोया हुआ था। तो कहाँ पर मारा? हमारे मोहल्ले में पीछे गुड्डी भाई के आंगन में सोया था बाहर। तो इसको किसी ने आके मार दिया, तो फिर सब लोग दौड़े और उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए। यहाँ से डॉक्टर ने बोला कि इसको गोंदिया रिफर करो करके। गोंदिया ले जाते समय रास्ते में देहांत हो गया। ये घटना हुई थी सर 11:36-35 की बात है। तो ये वहाँ पे तीन लोग सोए हुए थे, तारो, शिव और पानबाई कठौते, है ना। वहाँ पे सोए हुए थे, तो वहाँ पे ये छोटू मदारसी बाहर सोया था बोलते हैं। तो बाहर सोया था तो इसको किसी अन्य व्यक्ति ने आके मारे। अब वो कौन व्यक्ति थे ये तो नहीं मालूम, उसको मारे। तो वो तारो हमारे घर में आया और मेरे को उठा के ले गया। उतने मैंने रवि रघुवंशी को फ़ोन लगाया 11:42 पे। 11:42 जब मैंने फ़ोन लगाया, उसके बाद मैंने 108 को फ़ोन लगाया 11:45 पे। और उसको जब लेके जा रहे थे हम लोग सड़क के कने, तो वो नहर नहर और तीन लोग बस बोला है, नहर नहर और तीन लोग बस सर। उन्होंने नाम भी नहीं बताया? नाम नहीं बताया, बस नहर नहर और तीन लोग बोला है बस।